सो हेलो गाइस, कैसे हो? स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे एक और न्यू वीडियो के अंदर। सो गाइस यार, आज के इस वाली वीडियो में हम लोग दोबारा से बात करने वाले हैं टॉप 3 गेम्स लाइक माइनक्राफ्ट के ऊपर, क्योंकि यार मेरे को ना कुछ समझ में नहीं आ रहा कि किस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाऊँ। यार आप लोग ना कमेंट करके बताते नहीं हो, एंड यार आप लोगों ने ना मतलब लास्ट वाली जो मैंने वीडियो बनाई थी पार्ट 5, उस वाली वीडियो के नीचे आप में से काफ़ी सारे बंदों ने ये भी कमेंट करा था कि यार नेक्स्ट पार्ट बनाओ। सो यार मैंने सोचा कि क्यों ना यार पार्ट 6 भी बना ही दिया जाए, क्योंकि यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या वीडियो बनाओ। एंड टॉप 3 गेम्स लाइक माइनक्राफ्ट की सीरीज आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर एक और वीडियो बना दी। बाकी यार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यार इसके ऊपर मैं वीडियो और नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि यार ज़्यादा गेम्स नहीं यार माइनक्राफ्ट जैसी। मैंने ऑलरेडी यार 6 पार्ट मतलब यार काफ़ी सारी गेम कवर कर दी है मैंने। ऑलमोस्ट 15 से 18 गेम्स मैंने कवर कर दी है, इतनी ज़्यादा गेम्स थोड़ी होगी यार माइनक्राफ्ट की कॉपी। सो अगर आप लोगों को और वीडियो चाहिए तो यार कमेंट में आप लोग ये बता देना कि कौन कौन सी गेम्स मेरे को ट्राई करनी चाहिए। तो अब बिना किसी देरी के ना वीडियो कर लेते हैं शुरू। तो कहते हैं नंबर 3 पर जो गेम आती है उस गेम का नाम है लॉकीक्राफ्ट 5। अगर आप लोग को ये वाली गेम को इंस्टॉल करना है ना, तो आप लोग को सबसे पहले ना माइनक्राफ्ट को अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लोग ना माइनक्राफ्ट को ऑलरेडी अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल करके इस गेम को इंस्टॉल करोगे ना, तो आप लोग का इंस्टॉल ही नहीं होगा। प्ले स्टोर से कर लो चाहे कहीं से भी कर लो, क्योंकि यार फ़ोन को लगता है ना कि मतलब इन दोनों के जो फोल्डर है ना बिल्कुल सेम है। मतलब यार आप लोग एक हद तक समझ ही सकते हो कितनी ज़्यादा बड़ी कॉपी है यार इसकी, मतलब माइनक्राफ्ट की। तो आप लोग देख सकते हो, बाकी तो इसके अंदर ग्राफिक्स काफ़ी ज़्यादा बढ़िया नहीं है माइनक्राफ्ट जैसी, बट हाँ ओपन वर्ल्ड है बिल्कुल माइनक्राफ्ट की तरह। अगर आप लोग ना लॉकीक्राफ्ट का 1 मतलब ओनली लॉकीक्राफ्ट जिस पे लिखा होता है ना वो वाला लॉकीक्राफ्ट खेला है, एंड लॉकीक्राफ्ट 2 वगैरह खेला है ना, तो आप लोग को पता होगा ये जो ग्राफिक्स है ना बिल्कुल सेम उसी की तरह है, एंड काफ़ी ज़्यादा अंतर नहीं है। बाकी क्लासिक UI आप लोगों को देखने को मिलता है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी मेरे को। एंड आप लोग को इसके अंदर 1.19 मिनी मिलेगा, एंड मतलब 1.18 तक इसके अंदर भी मिल जाएगा आप लोग, क्योंकि आप लोग देख सकते हो ओर्स वगैरह का टेक्सचर मतलब कॉपर ओर वगैरह आप लोग को यहाँ पे मिल रहा है। बाकी 1.19 का भी इसके अंदर अपडेट आ ही जाएगा अगर ये लोग चाहें तो। बाकी तो देख सकते हो आप लोग गेम कितना ज़्यादा बढ़िया चल रहा है, एंड वार्डन नहीं है, 1.19 नहीं है, एंड इसके अंदर एंड है, एंड एंडर ड्रैगन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है इसका। सो इसकी ग्राफिक्स भी काफ़ी सही है, मतलब नॉर्मल ही है जैसी अदर गेम्स की होती है। एंड अब हम लोग बढ़ते हैं अपने सेकंड नंबर गेम की तरफ, क्योंकि इस गेम के अंदर और कुछ है नहीं। सो गाइस जो सेकंड नंबर पे गेम आते हैं, इस गेम का नाम है क्राफ्टर, एंड अगर गलत होगा तो मैं यहाँ पे ऊपर की तरफ नाम लिख दूंगा, आप लोगों को बता दूंगा कौन सी गेम है। बाकी तो इसके ऊपर यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्राफ्टर ही लिखा हुआ है, तो क्राफ्टर ही होगा इसका नाम। बाकी तो यहाँ पर मैं एक वर्ल्ड को जनरेट कर रहा हूँ, एंड इस वाली गेम के अंदर 1.16 आप लोगों को मिलेगा, मतलब आप लोग देख ही सकते हो ऑलरेडी UI वगैरह सारा का सारा माइनक्राफ्ट की कॉपी डाल रखी है इसके अंदर भी। एंड आप लोग देख सकते हो इसकी ग्राफिक्स भी बिल्कुल लॉकीक्राफ्ट 5 की तरह है। बाकी आप लोग देखो कितनी मतलब नॉर्मल है, आप लोग इसको भी खेल सकते हो, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा आप लोगों को भी। एक बार आप लोग इसको भी ट्राई ज़रूर करना। बाकी तो आप लोग देखो कितने ज़्यादा बढ़िया तरीके से मतलब लैग फ्री होती है यार ये सारी की सारी। मैं आप लोगों को जितने भी गेम्स बताता हूँ ना सारी की सारी लैग फ्री होती हैं, एंड आप लोग चाहो ना तो उसको अपने 3GB या 2GB रैम वाले डिवाइस के अंदर भी इजीली खेल सकते हो। बाकी आप लोग देख सकते हो क्राफ्टर को भी अगर आप लोग चाहो ना तो 2GB वाले फ़ोन के अंदर खेलोगे ना तब भी बहुत ज़्यादा स्मूथ चलेगी, एंड 3GB रैम में भी स्मूथ चलेगी, 1GB रैम का पता नहीं, बाकी तो आप लोग देख लेना। एंड यहाँ पर देख सकते हो इसके अंदर भी 1.19 नहीं मिलेगा, बाकी 1.16 है शायद से। एंड यहाँ पर विलेजर वगैरह का जो टेक्सचर है ना इसके अंदर काफ़ी अजीब है, अभी मैं आप लोग को दिखाता हूँ। सो यहाँ पर आप लोग देखो क्या कहते हैं विलेजर का अभी निकालते हैं हम लोग एग, वैसे थोड़े बहुत एग वगैरह यहाँ पर मैं निकाल रहा था, एंड ज़्यादा कुछ तो इसके अंदर है नहीं, काफ़ी कुछ है वैसे, ज़्यादा कुछ नहीं है काफ़ी कुछ है, मतलब माइनक्राफ्ट वाली ना हर एक चीज़ आप लोगों को इसके अंदर भी मिल जाएगी। जितनी सारी चीज़ें ना आप लोगों को माइनक्राफ्ट 1.16 या 17 के अंदर मिली थी ना, उतनी सारी चीज़ें आप लोगों को इस वाले माइनक्राफ्ट क्राफ्टर के अंदर भी मिल जाएगी। आप लोग देख सकते हो कितने सारे स्पॉन एग्स मैंने निकाल लिए यहाँ पर, और यहाँ पर एक एग है, वैसे इस एग को फोड़ते हैं, एग में से यार चिकन निकलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बाकी तो यहाँ 20 एग्स फोड़ने के बाद मेरा एक चिकन निकला, उसके बाद कंटिन्यूस निकलने लगे। एंड यहाँ पर विलेजर देख सकते हो, एंड विलेजर देखो कितना फनी लग रहा है यार। सो बस ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, विलेजर बस एज ए फनी सा है, एंड थोड़ी बहुत क्वालिटी इसकी अलग है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने गाइस फर्स्ट नंबर की गेम की तरफ, क्योंकि यार फर्स्ट नंबर पर जो गेम आती है ना वो काफ़ी ज़्यादा मस्त है।
सो गाइस जो फर्स्ट नंबर पे हमारी गेम आती है, इस गेम का नाम है क्राफ्ट्समैन सर्वाइवल एंड क्रिएटिव। ये वाली गेम भी क्राफ्ट्समैन की तरफ से है, तो आप लोगों को पता ही होगा कितनी ज़्यादा ऑसम गेम होती है क्राफ्ट्समैन वालों की। लॉकी क्राफ्ट एंड क्राफ्ट्समैन, इन लोगों ने यार अपनी अपनी पूरी सीरीज निकाल रखी गेम्स की। बाकी आप लोग जो बैकग्राउंड में UI इसका देख पा रहे हो ना, ये बिल्कुल यार 1.20 वाला UI इसके अंदर डाल रखा है इन लोगों ने। जैसे कि देख सकते हो इसके अंदर बैम्बू वुड डाला हुआ है, आप लोग देखो ध्यान से देखो, क्योंकि यार बैम्बू वुड का भी जो टेक्सचर है ना बिल्कुल सेम है 1.20 में जो आने वाला वाइल्ड अपडेट के अंदर। बाकी तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे वर्ल्ड लोड हो रहा है, एंड इस वर्ल्ड के अंदर ना आप लोगों को 1.19 तक नहीं दिखता, एंड UI में इन लोगों ने यार 1.20 को डाल रखा है। बाकी तो इसकी ग्राफिक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पर एक ऐड आ चुका है, तो ऐड को हम लोग जल्दी से करते हैं स्किप, क्योंकि यार ऐड से मेरे को नफरत है। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसकी ग्राफिक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसके अंदर भी यार फेथफुल टेक्सचर पैक आप लोगों को मिल जाएगा। एंड ये वाली गेम भी काफ़ी ज़्यादा लैग फ्री आप लोगों को देखने को मिलेगी, यहाँ पर देख सकते हो, मतलब फेथफुल इसके अंदर बस टेक्सचर पैक डाला हुआ है। आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि क्राफ्ट्समैन वाले जितने भी गेम्स बनाते हैं ना काफ़ी ज़्यादा ऑसम बनाते हैं। एंड अगर आप लोगों ने यार थोड़ा बहुत ना बैकग्राउंड नॉइस वगैरह आज आया हो ना वीडियो के अंदर, तो उसके लिए मैं यार सॉरी कहना चाहता हूँ, क्योंकि यार आज पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा नॉइस आ रहा है इधर से उधर से, सो उसके लिए सॉरी, बट नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा। एंड हाँ गाइस यार, आज की इस वाली वीडियो में और कुछ नहीं है, यहीं तक की आज की वाली वीडियो थी। एंड आप लोग ना मेरे को ना यार नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, अगर आप लोग इसके और पार्ट चाहिए ना तो आप लोग गेम सजेस्ट करना, क्योंकि यार मेरे से नहीं ढूंढे जाएंगे अब और गेम्स, क्योंकि गेम्स लाइक माइनक्राफ्ट, क्योंकि यार बहुत सारे गेम मैंने ऑलरेडी ट्राई कर चुका हूँ यार, अराउंड 20 गेम मैंने ट्राई कर दिए हैं, एंड यार और गेम नहीं मिलते यार, कहाँ से लाऊं मैं यार। बहुत देर तक मैं जब सर्च कर रहा था ना, तब जाके मेरे को ये कुछ 3 गेम्स मिले। इनके भी क्वालिटी आप लोग देख सकते हो कितनी ज़्यादा, मतलब उतनी ज़्यादा भी अच्छी नहीं है इन सबकी गेम की क्वालिटी। बाकी तो यार आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना। एंड ऑल्सो गाइज यार थैंक यू सो मच फॉर 1K सब्सक्राइबर्स, अभी फ़िलहाल को हुए तो नहीं है बट थोड़ी देर में ही होने वाले हैं, क्योंकि आप लोग देख सकते हो कितने सही सब्सक्राइबर हो चुके हैं, अराउंड 960 के आसपास सब्सक्राइबर अभी मेरे हो चुके हैं। एंड मैं चाहता हूँ यार आप लोग मेरे को ऐसी सपोर्ट करते रहो। सो या गाइस यार आज की इस वाली वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।